Bismillahir Rahmanir Rahim, Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan Campus से उर्दू के इस लेक्चर के साथ मैं हूँ मोहम्मद शाहिद। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू है सबक तश्कीले पाकिस्तान। सबक में याद रखने की जो अहम चीज़ें हैं, सबसे पहले इस सबक के कसीरुल इंतखाबी सवालात, दूसरे नंबर पर सबक का खुलासा, और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इबारत की तशरीह। इस सबक में से जो एक सवाल आपके पेपर में आता है, सवाल नंबर 3, सियाक व सबाक के हवाले से इबारत की तशरीह करें, सबक का उनवान और मुसन्निफ़ का नाम भी तहरीर करें। ये कुल 15 नंबर का सवाल है जिसमें हवाले मतन यानी सबक का उनवान और मुसन्निफ़ का नाम एक एक नंबर, और उसके बाद सियाक व सबाक जिसके 3 नंबर हैं। क्योंकि ये सबक मज़मून की तर्ज पे लिखा गया, इसलिए इसका जो सियाक व सबाक होगा वो इजमाली होगा, यानी सबक में से कोई भी पैराग्राफ आता है, आप जो सामने स्क्रीन पे सियाक व सबाक दर्ज है वही लिखेंगे। सियाक व सबाक है, हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कहने को तो औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के 150 साल बाद तक कायम रही, लेकिन अंग्रेज़ 1803 ईस्वी में ही दिल्ली में दाखिल हो चुके थे। ऐसे में मुसलमान मुसलहीन ने इस्लाह की कोशिशें जारी रखीं। सैयद अहमद बरेलवी ने अलम जिहाद बुलंद किया, सर सैयद और रफ़का ने तालीम और माशरती इस्लाह पर तवज्जो दी, शिबली ने निदवतुल उलमा की बुनियाद रखी, अलामा इकबाल ने ख़ास इस्लामी फ़लसफ़ा पेश किया। रहनुमाओं की कोशिशों से मुसलमानों में एहसास जागने लगा। तकसीम बंगाल की मुखालफत और उर्दू हिंदी तनाज़े ने मुसलमानों को सियासी व समाजी हुकूक के तहफ़ के लिए मुस्लिम लीग के क़याम का रास्ता दिखाया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मिसाक लखनऊ तय पाया तो जंग अजीम में उलझे हुए अंग्रेज़ ख़ुद इख्तियारी हुकूमत का ऐलान करने पर मजबूर हुए। ताहम फिर मुसलमानों और हिंदुओं में इख्तिलाफात बढ़ते गए, मुस्लिम लीग मुसलमानों की जबकि कांग्रेस हिंदुओं की नुमाइंदा जमात बनकर उभरी। मुस्लिम लीग की ज़बरदस्त तहरीक ने बिलाखिर अलग रियासत हासिल कर ली। पाकिस्तान के क़याम से एक बड़ा तगैर रुनुमा हुआ और अब अहले पाकिस्तान पर वाज़ हो चुका है कि उनकी मंजिल मुल्क में इस्लामी जमहूरियत का क़याम है। अब सबक का पहला सफ़ा आपके सामने है। मुमकिन नहीं है कि बहुत ज़्यादा तफसील में इसकी वजाहत हो सके, ताहम जो अहम अहम निकात हैं वो तरतीब से बयान करता जाऊंगा। सबसे पहले औरंगज़ेब आलमगीर, जो कि मुग़ल बादशाहों में से छठा बादशाह है, हिंदुस्तान पर इसने तकरीबन निसफ सदी यानी 50 साल के लगभग हुकूमत की। अपने तकवा, ईमानदारी और बहादुरी में ख़ास शोहरत हासिल की। इसी तरह इसका दौर हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत के अदवार में सबसे बेहतरीन दौर समझा जाता है, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद ही मुग़ल शहज़ादों के आपस के झगड़ों से, उनके आपस की जंगों से रियासत कमज़ोर हुई, जिससे अंग्रेज़ों को कदम जमाने का मौका मिला। चुनाचे कहने को तो औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद 1707 से लेके 1857 तक मुसलमानों की हुकूमत कायम रही, लेकिन ये सिर्फ नाम की हुकूमत थी। हकीकत में 1803 में ही अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हो चुके थे। ऐसे हालात में
जब मुसलमानों को मजहबी लिहाज से और माशरती लिहाज से इस्लाह की ज़रूरत थी और मुसलमानों की बज़ाहिर कोई क़यादत सियासी तौर पे नज़र नहीं आ रही थी, तो ऐसे वक्त में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जो कि इल्म हदीस में एक बड़ा नाम रखते थे, शाह अब्दुल रहीम के फर्जंद थे और फिर उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज, हत्ता कि जहाँ पे जो दूसरा नाम उनके बेटे का शाह अब्दुल कादिर, तो शाह वलीउल्लाह ने सबसे पहले फारसी ज़ुबान में कुरान पाक का तर्जुमा किया ताकि जहाँ के मुकामी लोग जो हैं वो कुरानी तालीमात को समझने के काबिल हों। इसी तरह उनके एक बेटे शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू में सबसे पहले कुरान पाक का तर्जुमा किया। मकसद क्या था कि जहाँ के लोग जो हैं वो दीन से और दीन की जो बुनियादी तालीमात यानी कुरान और सुन्नत हैं उससे वाकिफ़ हो सकें। दूसरी तरफ सियासी और माशरती बिगाड़ जो पैदा हुआ था उसमें सैयद अहमद बरेलवी ने किरदार अदा किया। ये 1816 से 1831 तक 15 साल उन्होंने मजहबी माशरती खराबियों को दूर करने की एक जुद्दोजहद की और मजहबी तौर पे आज़ादी के हुसूल के लिए उन्होंने 1826 में सिखों के खिलाफ जिहाद की मुहिम शुरू की। उसमें शाह वली उल्लाह के पोते शाह इस्माइल भी उनके साथ थे, ताहम अपनों की गद्दारी से वो अगरचे सिखों के खिलाफ कई तरह के कई मुकामात पे फतह हासिल कर चुके थे और कुछ इलाकों में अपनी खिलाफत का ऐलान भी कर चुके थे, खिलाफत कायम कर चुके थे, लेकिन उन्हें 1831 को बालाकोट के मुकाम पे कत्ल कर दिया गया। ताहम सैयद अहमद बरेलवी की इस कोशिश ने लोगों के अंदर एक शऊर बेदार कर दिया, उनमें आज़ादी की का जोश पैदा किया, जिसकी वजह से उनका काम उनकी वफ़ात के बाद भी जारी रहा। इसी तरह एक तहरीक फ़राइज़ी तहरीक के नाम से बिहार से उठी। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस तहरीक का असल मकसद तो मुसलमानों को फ़राइज़ व इबादात की तरफ रागब करना था, ताहम इसने बिहार के अंदर मुसलमान किसानों के हुकूक के लिए भी आवाज़ बुलंद की। फिर क्या हुआ कि 1857 में जो मुसलमानों की एक मुग़ल हुकूमत की सूरत में एक नाम की हुकूमत थी, नाम निहाद हुकूमत थी, उसका भी ख़ात्मा कर दिया गया। और अंग्रेज़ पूरे मुल्क पर छा गए। हालांकि इससे पहले 1837 में फ़ारसी ज़ुबान अदालतों से ख़त्म कर दी गई थी, ताहम 1857 के बाद मुसलमानों पर दबाव और मुसलमानों पर उनकी तरफ से ज़्यादतियाँ मज़ीद बढ़ती चली गईं और मुसलमानों को हर मैदान में, वो सियासी मैदान हो, समाजी हो, तालीमी हो, हर लिहाज से धकेल दिया गया, पीछे धकेल दिया गया। ऐसे वक्त में हिंदू, जो कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों के शाना बशाना रहे थे, ये हालात देखकर वो पीछे हट गए और उन्होंने मुसलमानों से नज़रें फेर लीं और अपने मफाद में जो है वो मफादात को सामने रखने लगे। जब ये हालात हो गए तो कौम के एक हमदर्द सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी कौम को संभाला देने के लिए कदम बढ़ाया, अगरचे रियासत तो हाथ से चली गई थी, ताहम उनकी कोशिश से, उनकी काविशों से कौम के अंदर एक शऊर बेदार हुआ। सर सैयद ने उन मुसलमानों को जो पुराने डगर पर चले आ रहे थे और कदामत पसंद कहलाते थे, उनमें जदीद दौर के तकाज़ों को समझने का शऊर बेदार किया और उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वो नई हुकूमत से तआवुन करें। इसके लिए उन्होंने एक तहज़ीबुल अख़लाक़ रिसाला जारी किया और
उनकी ये तालीमी कोशिशें कि जिसमें उन्होंने कई तालीमी इदारे भी कायम किए और आखिरकार अलीगढ़ कॉलेज की सूरत में एक तालीमी इदारा कायम किया। ये इदारा 30 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक कौमी मरकज़ बना रहा। सर सैयद ने ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि जब 1867 में बनारस के अंदर उर्दू के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली तो उस दौर में मुझे ये मालूम हो गया, एहसास हुआ कि अब हिंदू और मुसलमानों का एक कौम के तौर पर चलना, एक साथ चलना मुमकिन नहीं रहा। इसी दौरान 1885 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी। सर सैयद ने मुसलमानों को इससे दूर रहने का मशवरा दिया और रफ्ता रफ्ता यह एहसास मुसलमानों को हुआ कि सर सैयद अपनी जगह दुरुस्त थे, क्योंकि ये जमात जो पहले हिंदुस्तान के लोगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी, वो सिर्फ़ हिंदू कौम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अलमबरदार बन के सामने आई। इससे हरगिज़ सर सैयद का मकसद अंग्रेज़ों की खुशनूदी नहीं था, बल्कि वो अपनी कौम का मुस्तकबिल देख रहे थे। चुनाचे उन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखकर अंग्रेज़ों की जो मुसलमानों के साथ दुश्मनी थी उसमें किसी हद तक कमी लाने की कोशिश की। और सर सैयद अगरचे अंग्रेज़ों के हुकूमत में मुलाजिम थे, लेकिन उन्होंने मुसलमान कौम की खिदमत की और मुसलमान कौम की इसलाह और उनकी फलाह के लिए कोशिश करते रहे। ना सिर्फ सर सैयद अहमद ख़ान बल्कि उनके जो नामवर दोस्त रफ़का थे, अहबाब थे, जिनमें मोहसिन मुल्क हैं, जिन्होंने अलीगढ़ की जो तालीमी तहरीक थी उसे आगे बढ़ाया, वकारुल मुल्क ने सियासी तहरीक को आगे बढ़ाया, यानी उन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपन उर्दू अदब में गरां कदर खिदमात और पेश की, नज़ीर अहमद ने, मुंशी ज़काउल्ला ने, इसी तरह शिबली नुमानी ने, जो सर सैयद के रफ़का हैं, उन्होंने अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए और मुसलमानों की बहाली के लिए गरां कदर खिदमात अंजाम दी। अलीगढ़ तहरीक की वजह से कई और तहरीकें भी रूनुमा हुईं, जैसे शिबली ने लखनऊ में नदवतुल उलमा कायम की, इसी तरह देवबंद के अंदर एक तालीमी इदारा कायम हुआ और एक तहरीक की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। हत्ता के अलामा इकबाल की सूरत में मुसलमानों को एक रहनुमा मिला जिन्होंने एक तरफ इस्लामी उलूम और दूसरी तरफ मगरिब के उलूम का ना सिर्फ गहरा मुताला किया, बल्कि इस मुताला करने के बाद इस्लाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक पेश किया और उसे एक नया इस्लामी फ़लसफ़ा अपनी कौम के सामने रखा। उनका ख़्याल ये है कि इंसान सबसे पहले इताअत, फिर अपनी ज़ात के ऊपर काबू पाकर यानी ज़ब्त नफ्स, और फिर खुदा की नियाबत के तीन मनाजिल तय करता है तो वो खुदी के इंतहाई मुकाम को पहुंचता है और उसे वहाँ कदम कदम पर मजहब की तालीमात को पेश नज़र रखना होता है। इकबाल ने चार चीज़ों पर जोर दिया है, सबसे पहले तौहीद, दूसरे नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, तीसरे नंबर पर कुरान हकीम का मुताला और उसकी तालीमात पे अमल पैरा होना, चौथे नंबर पे मायूसी से छुटकारा और उम्मीद और हिम्मत को सामने रखते हुए रास्ता इख्तियार करना। तो अजीज़ तलबा, अब ज़रा कुछ हवाला जात, लेकिन उससे पहले
आपको मालूम होना चाहिए कि तशरी कम अज़ कम दी हुई इबारत से 3 गुना होनी चाहिए। तशरी में हवाला जात का इस्तेमाल करके ज़्यादा नंबर लिए जा सकते हैं। और कोशिश करें कि नसर की तशरी में अशार ना लिखें, यानी हवाला जात के तौर पे अशार नज़्म और गज़ल की तशरी में तो मुनासिब हैं, लेकिन नसर की तशरी में शामिल नहीं होने चाहिए। आज के सबक के हवाले से जो तशरी में हवाला जात दिए जा सकते हैं, उनमें पहला है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ये सूरह अज़ुमर की एक आयत का तर्जुमा है। इसी तरह एक और मुकाम पे कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया, और ये दिन है जिन्हें हम लोगों के दरमियान फेरते हैं, यानी हालात एक जैसे नहीं रहते। इसी तरह जनूबी अफ्रीका की आज़ादी के जो एक कायद और लीडर रहे नेल्सन मंडेला, उनका कौल है, मुश्किलात कुछ लोगों को तोड़ देती हैं, लेकिन यही मुश्किलात कुछ इंसानों को इंसान बना देती हैं। एक और कौल है, तालीम एक ताकतवर हथियार है जिसे आप दुनिया को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हवाला खास तौर पे उस वक्त आप लिखेंगे जब सर सैयद अहमद खान की तालीमी तहरीक का आप हवाला देते हैं। इसी तरह मुसद्दस हाली, जहाँ पे सर हाल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक नज़्म है जो असल नाम उसका मद जज़र इस्लाम है, उसके हवाले से अगर कोई पैराग्राफ आता है तशरीह के तौर पे, तो फिर आप ये हवाला देंगे कि सर सैयद अहमद खान ने सर सैयद अहमद खान बल्कि कहा करते थे कि रोज़ आखरत जब खुदा पूछेगा कि क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। इसी तरह तहरीक आज़ादी के हवाले से नेल्सन मंडेला का एक और कॉल यहाँ पे दर्ज है, उम्मीद के साथ उठता कदम आखिरी दम तक कोशिश के लिए तैयार रहता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। हमने इस सबक के पहले हिस्से की तशरीह मुकम्मल की, उम्मीद है आपको इसकी पूरी तरह से तफसील समझ में आ चुकी होगी। अगर कहीं पे कुछ कमी बाकी रह जाए, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो स्क्रीन पर हमारा इब्तिदा में ही नंबर मौजूद है, आप रابطہ कर सकते हैं।